तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कि अफल स्टूडियो मोबाइल के अंदर क्रिएट इफ़ेक्ट्स चैनल है क्या और इसे कैसे यूज किया जाता है इस वीडियो में हम लोग यही जाने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बनाया है ये मेरा पैटर्न है ठीक है बनाया नहीं है ये एक पैटर्न मैंने लिया है जो पहले से डिफॉल्ट होते हैं अफल स्टूडियो के अंदर ठीक है तो यहाँ पर मैं कुछ क्या करता हूँ कुछ पैटर्न यहाँ पर मैं बना लेता हूँ ठीक है बना लेता हूँ इसको मैंने फोर स्टेप लगा दिया और यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से एक बना लेता हूँ और हिट टैट्स जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे हम लोग की यहाँ पर मैंने लगा दिया और इसका साउंड थोड़ा मैं अपने हिसाब से आप सुनते हैं किस प्रकार का ही पैटर्न बजता है ठीक है मैंने यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट कर लिया ठीक है अब क्या करना है मुझे एडिट पे जाना है ठीक है और मैं सोचता हूँ इसनेर है इस पर थोड़ा रिवर्व आ जाए इस पर मुझे रिवर का एक इफेक्ट डालना है या इस पर भी आप कुछ इफेक्ट डालना चाहते हैं इक्वलाइजिंग करना चाहते हैं ग्राफिक इक्वलाइजिंग करना चाहते हैं या जो भी आप इसके अंदर इफेक्ट डालना चाहते हैं किसी भी सैंपल के अंदर ठीक है तो आप कैसे डाल सकते हैं अगर हम इस पर इफेक्ट डालते हैं तो क्या होगा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे इफ़ेक्ट कोई भी डाल देते हैं रिवर्व डाल देते हैं तो क्या होगा ये रिबर्व जो होगा वो सारे पैटर्न पर अप्लाई होगा किक पर स्नैर पे ही टाइट्स पे और जो स्नैर है ये भी इस पर सारे पर ये रिबर्व अप्लाई होगा आर्गिर सुनकर देख लीजिए क्या होगा इस सभी पर अप्लाई हो जाएगा और मुझे केवल एक पर ही अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे उसके लिए मुझे क्रिएट इफेक्ट्स का इफेक्ट्स जो है क्रिएट इफेक्ट्स चैनल उसका मदद लेना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ उसके लिए मुझे क्या करना होगा इस मास्टर पर क्लिक करना होगा मास्टर पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्रिएट इफेक्ट्स चैनल इस मुझे क्लिक कर देना होगा मैंने किया क्या उस किया उस पर क्लिक किया उस पर क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर एक वन नंबर इफेक्स आ गया इफेक्स इफेक्स इफेक्ट ठीक है वन हमारा यहाँ पर आ चुका है उसके बाद से हम यहाँ से कट हो जाएंगे उसके बाद से देखिए यहाँ पर हमारा एक चैनल बन चुका है जो लिखा हुआ है इफेक्ट वन इस पर सिंपली हम क्या करेंगे कोई भी इफेक्ट यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे ठीक है जो भी आपको दूसरे पैटर्न के अंदर डालना है तो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया एक रिवर भी डाल देता हूँ मैंने यहाँ पर रिबर डाल दिया और सिंपली यहाँ पर देखिए पे इसके अंदर नहीं है बने बने आए हुए लेकिन सिंपली मैंने एक डाल दिया ठीक है इसके अंदर आ चुका है अब इस रिबर को रिबर में जो मैंने इफेक्ट लगाया है यहाँ पर और इस इफेक्ट को मुझे दूसरे किसी भी पैटर्न के अंदर इस पर इस पर इस पर या किसी भी पैटर्न के किसी भी किट के अंदर जो किट है इसके किसी के अंदर मुझे इससे लगाना है जैसे इसके अंदर लगाना है सिंपली हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे लास्ट में इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर यू ना ए यूक्स ऑक्स है ऑक्स लिखा है सिंपली इस पर क्या करेंगे ऑक्स पर क्लिक कर करेंगे ऑक्स पर क्लिक करने के कर बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्या आया है फेक्ट वन सिंपली हम क्या करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे इस इस पर क्लिक करने के बाद से क्या होगा हमारा जो भी इफेक्ट है इसके अंदर मैंने लगाना है इसके अंदर लग चुका है आप सुन सकते हैं इस प्रकार से हम लोग क्रिएट इफेक्ट्स चैनल का यूज करते हैं आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं दूसरा भी आप क्रिएट इफेक्ट्स करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए ये यह देखिए यहाँ पर दूसरा भी हमारा आ चुका है और इसके अंदर आप दूसरा भी डाल सकते जैसे मुझे यहाँ पर कुछ भी डालना है डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स और इसके अंदर मुझे किसी भी पैटर्न पर डालना है तो सिंपली क्या करेंगे इस पर अंदर या इस पर क्क के अंदर डालना है तो सिंपली क्या करेंगे कि पर क्लिक करेंगे और जो हमारा दो नंबर इफेक्ट था उस पर मैंने क्लिक किया अब हमारा ये हो गया ये इस प्रकार से हम लोग क्रिएट इफेक्ट चैनल का यूज करते हैं अगर इसको हटाना है आपको नहीं लगाना तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए और देखिए लिखा हुआ सबसे ऊपर मास्टर चैनल इस पर क्लिक कीजिए इस पर मास्टर चैनल पर क्लिक कर दीजिए हटाना है तो फिर से लगाना है फिर से आप वही अप्लाई कीजिए हमारा लग गया तो इसलिए हम लोग क्रिएट इफेक्ट्स चैनल का यूज़ करते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्ट्स ट्रैक ऑक्स ये भी वही ऑप्शन है तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए ये होता है कि ये ये जो हमने लगाया ये ऊपर ही बन जाता है ये सबसे नीचे आ जाएगा देखिए चार नंबर पर आ गया तो इसलिए आप यहाँ से भी इस ऑक्स को यूज कर सकते हैं जैसे इस पर मैंने कुछ अलग लगाने को, को लगा दे रहा हूँ डिले मैंने लगा दिया ठीक है अब इसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए चार नंबर है इफेक्ट तो इसके अंदर जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए चार नंबर है अभी ये भी लग गया तो इस प्रकार से हम लोग क्रिएट इफेक्ट चैनल को यूज करते हैं ठीक है और यहाँ से भी इसे यूज कर सकते हैं इफेक्ट ट्रिक ऑक्स तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये जो मैंने आपको बताया इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस की टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तब के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत